नमस्कार, एसटीवी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे अलवर, किसान बिल पर विपक्ष पर लगाए किसानों को भ्रमित करने के आरोप। बाबा रामदेव ने भिवाड़ी के दूध प्लांट का किया उद्घाटन, सांसद बाबा बालकनाथ भी रहे मौजूद। भिवाड़ी में मिलावटी दूध माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 ड्रम केमिकल के किए जब्त। और शहीद स्मारक पर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी का धरना। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अलवर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने किसान बिल को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया, साथ ही विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने के आरोप भी लगाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अलवर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता में किसान बिल पर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। राठौड़ ने कहा, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, विरोध बिल का नहीं है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, मंडियां बंद हो जाएंगी, MSP बंद हो जाएगी, सिर्फ काल्पनिक बातों से किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। इस दौरान गहलोत सरकार पर भी उन्होंने जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनावों के दौरान प्रचार सभा में राहुल गांधी ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, किसानों को ऋण माफ करने का वादा किया था। आज 2 साल बीत चुके हैं, मुख्यमंत्री सरकार बचाने में तो सफल रहे, लेकिन जनता के मुख्यमंत्री बतौर वे फेल साबित हुए। यह सरकार टीवी सीरियल की तरह चल रही है, जहां रोजाना नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि तय की गई कीमत के ऊपर अगर उस कीमत से मान लो नीचे कीमत जाती है, आप समझ रहे ना मेरी बात, तय की हुई कीमत से अगर बाद में असली कीमत नीचे चली जाती है तो तय की हुई कीमत पर ही किसान को पैसा दिया जाए। और मान लीजिए कि तय की हुई कीमत से कीमत ऊपर चली जाती है तो किसान के पास ये फिर अधिकार है कि वो बैठेगा, बोलेगा अब कीमत ऊपर चलेगी, एक बार फिर तय करते हैं। चले बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज बाबा रामदेव भिवाड़ी पहुंचे, यहां उन्होंने अपने दूध पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया और पूरे प्लांट का अवलोकन भी किया। इस दौरान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी मौजूद रहे। भिवाड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने गाय के दूध के प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन में बाबा रामदेव के साथ अलवर सांसद महंत बालकनाथ भी मौजूद रहे। वहीं बाबा रामदेव के भिवाड़ी पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाबा रामदेव के इस दूध प्लांट में रोजाना करीब कई हजारों लीटर दूध बनाया जाएगा, जिससे भिवाड़ी के आसपास के युवाओं को भी इसमें रोजगार मिलेगा। वहीं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बताया कि बाबा रामदेव के द्वारा भिवाड़ी में गाय के दूध का प्लांट लगाना ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। इस प्लांट से आसपास के लोगों को गाय का शुद्ध दूध मिल पाएगा। के द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें चाहे लस्सी हो या बटर हो या उसमें मिल्क पाउडर हो, जितने भी प्रोडक्ट्स दूध के द्वारा निर्मित होते हैं सभी प्रोडक्ट्स का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। और रुक करते हैं, अगली खबर भी भिवाड़ी से है। भिवाड़ी के UIT थाना अंतर्गत विलाहेड़ी गांव में मिलावटी दूध के गोरख धंधे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पुलिस ने नकली दूध बनाने में काम में लिए जा रहे केमिकल से भरे 12 ड्रम जब्त किए हैं। इस दौरान 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। भिवाड़ी के UIT थाना अंतर्गत विलाहेड़ी के कचरे के गोदाम में मिलावटी दूध का गोरख धंधा करते हुए टैंकर चालक नीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस गैंग के मुख्य सरगना जफरुद्दीन और तालीम पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। इस कार्यवाही में पुलिस ने काफी मात्रा में मिलावटी दूध पकड़ा है, जिसमें केमिकल के 12 ड्रम भी मिले हैं। मिलावट के लिए प्रयोग में आने वाले अन्य सामान को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से मदर डेयरी के प्लांट से ये टैंकर 8400 लीटर दूध लेकर भिवाड़ी के महाराजा कंपनी में आए हुए थे। बीच रास्ते में दूध गैंग के सरगना दूध के टैंकर को वहां से ले गए और शुद्ध दूध में मिलावट करने लगे। पुलिस ने उनके कब्जे से टैंकर में रखा 8400 लीटर दूध वे टैंकर से बाहर निकाला गया 700 लीटर दूध और 12 ड्रम केमिकल के जब्त करते हुए कार्यवाही की है। आईजी साहब की टीम के प्रभारी कैमराज जी मीणा और प्रशिक्षु IPS मैडम अलवर ज्येष्ठा मैत्राई जी की सूचना पर स्थानीय थाना UIT की टीम यहां मौके पर पहुंची
और ये सोचना थी कि यहाँ पे भारी मात्रा में जो दूध के जो टैंकर आते हैं उसमें से उनकी सील हटा के पानी और कुछ केमिकल मिक्स्ड दूध वापस उसमें भरा जाता है और आगे भेजा जाता है। इसलिए मौके पे पहुँचे और बाकी बाद आगे की कार्रवाई जारी है। अलवर में शहीद स्मारक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों पर आक्रोश जताया, साथ ही गैस पर मिलने वाली सब्सिडी पुनः चालू करने की मांग की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अलवर में कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े तेजपाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती गैस सिलेंडरों की कीमतों को लेकर और डीजल पेट्रोल पर बढ़ रहे दामों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बंद की गई सब्सिडी को भी पुनः चालू करे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर की ओर से मोदी सरकार द्वारा जो गैस सिलेंडरों की सब्सिडी खत्म की है और 50-50 रुपए दो बार जो सिलेंडरों के दाम बढ़ाए हैं उसके विरोध में हम ये धरना दे रहे हैं। इस धरने में जो मुख्य रूप से बात यह है कि जब हमारे देश में कोरोना का काल महामारी का जो चल रहा था उस समय मई में ही इन्होंने गैस सिलेंडरों की सब्सिडी खत्म कर दी थी, जबकि उस समय हमारे देश के अधिकांश मजदूरों की रोजी रोटी चली गई थी, बेरोजगार हो गए थे, फैक्ट्री में छटनियाँ चली गई थी, इस वजह से सबके रोजगार खत्म हो गए थे। और उसी समय इस सरकार ने सब्सिडी खत्म करके उन मेहनतकशों पर उन मजदूरों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया। आज फिर 50-50 रुपए दो बार बढ़ा दिए, अभी तक पूरे रोजगार उपलब्ध हुए नहीं है देश में और उस पर भी गैस सिलेंडरों पे 50-50 रुपए बढ़ा करके इस सरकार ने उन आम किसानों पर, आम मजदूरों पर, आम जनता पर एक हथौड़े का जैसा प्रहार किया है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने शहर में मोबाइल छीन कर भागने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने होम्योपैथिक कॉलेज के पास मोबाइल लूट की वारदात को करना भी कबूल किया है। कई दिनों से राहगीरों से मोबाइल छीनने की वारदात हुई थी, जिसमें कल मुश्किल से कुछ सूचना मिली थी कि जो बदमाश हैं जो वारदात की तरह रात्रि को एनबी थाना अंतर्गत सूर्यनगर के पास फिरोज नामक युवक की हत्या के मामले में 8 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सूर्यनगर के पास झाड़ियों में फिरोज का शव मिला था, जिसमें शव से धड़ अलग और गर्दन अलग मिली थी। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने के चलते आज परिजन सदर शेर मोहम्मद के साथ एनबी थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिरोज की जो हत्या हुई है उस पर शेर मोहम्मद मेरे समाज के सदर है, उनके नेतृत्व में 10-15 आदमी हमसे मिलने आए। अब तक पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी प्रगति भी उन्हें जानना चाहिए और उनका यह कहना है कि करीब 4-5 दिन का बाकी हो गया और अभी इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। सब लोगों को आश्वस्त किया है, हमारी टीम इसमें लगी हुई है और बिल्कुल इसके मतलब अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें बना रखी है हम लोगों ने। नहीं, घेराव नहीं किया, हम लोग ये पूछने आए हैं कि 11 तारीख को जो डेड बॉडी मिली थी उनके परिजन साथ हैं, 8 दिन आज हो गए हैं, कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ और जल्दी जल्दी मुलजिम गिरफ्तार हों, ये बात हम करने आए थे इंचार्ज साहब से। लेकिन इनको हो सकता है ऐसा लगा हो कि हम घेराव करें तो दूसरे आला अफसरान भी आ गए, एडिशनल एस पी हेडक्वार्टर आ गए और आईपीएस साहब भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम आकर के बात करते हैं। अभी उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी इसमें अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, मुलजिम गिरफ्तार होंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे अलवर, किसान बिल पर विपक्ष पर लगाए किसानों को भ्रमित करने के आरोप। बाबा रामदेव ने भिवाड़ी के दूध प्लांट का किया उद्घाटन, सांसद बाबा बालकनाथ भी रहे मौजूद। भिवाड़ी में मिलावटी दूध माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 ड्रम केमिकल के किए जब्त। और शहीद स्मारक पर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी का धरना। एसटीवी न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।